नमस्कार दोस्तों, नेचुरल ग्रीन लाइफ स्टॉक फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो फ्री रेंज में देसी मुर्गी पालन कैसे करें, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इस टॉपिक पे बात करते हैं। दोस्तों, फ्री रेंज में मुर्गी पालन आपने वीडियो भी बहुत देखते हैं यूट्यूब पे। हम आज इस चैनल के माध्यम से आपको ये चीज़ें बता रहे हैं कि फ्री रेंज में देसी मुर्गी पालन के क्या फ़ायदे हैं, कैसा करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस टॉपिक पे बात करते हैं। और मैंने किस तरह बना रखा है अपना फार्म का, उसकी सारी वीडियो आपको हम शेयर करेंगे आज। दोस्तों, फ्री रेंज में देसी मुर्गी पालन का मतलब कि आपको पहले तो आपको पर्याप्त मात्रा में ज़मीन होनी चाहिए आपके पास में, ताकि उसमें हमारे मुर्गियाँ आराम से घूम सके। और फ्री रेंज का मतलब बिल्कुल स्वतंत्र रूप से आपको घूमेंगी फार्म के। देखिए किस प्रकार से मुर्गियाँ हमारे फार्म में प्लांटों के अंदर घूमती रहती है। फार्म भी, ये हमारा फार्म है और इसके अंदर मुर्गियाँ घूमती रहती है। और फ्री रेंज में मुर्गी पालन में आपको कई चीज़ों की सावधानी भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको लॉस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इसके अंदर। तो क्योंकि इसमें आपको सिक्योरिटी करना बहुत ज़रूरी है। इसकी सिक्योरिटी है कि इसमें बिल्ली आ जाती है, कुत्ते आ जाते हैं, सियार आ जाते हैं, जंगली जानवर भी आ जाते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आपके कहाँ पे आपने कौन सी जगह आपने फार्म बना रखा है, उस हिसाब पे इस चीज़ पे बहुत निर्भर करता है। तो आपको इस चीज़ का फ्री रेंज में देसी मुर्गी पालन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको इसको सिक्योरिटी से फार्म को, ये ज़रूरी है कि सिक्योरिटी के लिए आपको किस तरह से फार्म को चारों तरफ से कवर करना है। और हमारे फार्म पे हम दिखाते हैं, देखिए हमने किस प्रकार से जाली लगा रखी है। और इसके बारे में हम आपको एक दिन अलग से बनाएंगे, कितनी कॉस्ट आती है ये और किस प्रकार से, हम आपको थोड़ी सी वैसे जानकारी देते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने ये फिनिशिंग कर रखी है, इस प्रकार से जाली लगा रखी है, उसको कवर कर रखा है। इसमें किसी प्रकार का जानवर हमारा ना, तो ये मुर्गियाँ बाहर जाती है इस फार्म से और ना उधर से कोई जानवर आता है। तो इस प्रकार से हमने चारों तरफ से ये फार्म को कवर कर रखा है, इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज हम बात करते हैं कि इनमें क्या क्या आवश्यकता है आपको। फ्री रेंज में आप किसी भी ब्रीड पे काम कर लीजिए, चाहे आप बढ़ाए कड़कनाथ पे बना करो या देसी मुर्गियों पे करो। मैं दो ब्रीड पे काम कर रहा हूँ, एक तो देसी पे है और एक है कड़कनाथ, जो कि कड़कनाथ की मुर्गे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं और इनकी काफ़ी अच्छी डिमांड है मार्केट में। वो इसकी डिमांड हर जगह के अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करती है, काफ़ी अच्छी प्राइस भी मिलती है इसमें, लेकिन इसमें आपको यह मार्केटिंग खुद करनी होगी। देखिए फ्री रेंज में, और फ्री रेंज में मैंने कड़कनाथ पे कर रखा है, साथ में ये देसी मुर्गी भी है, इन पर भी कर रखा है। और फ्री रेंज में आपको इस चीज़ पर ध्यान रखना है दोस्तों कि आपके ये नहीं है कि फ्री रेंज में घूमेंगे ही तो ही कुछ खाएंगे, इसमें इनको खाने के लिए भी चाहिए। यानी कि आपको फ्री रेंज में प्लांट भी लगाने होंगे खेत के अंदर, ताकि ये मुर्गियाँ अपना घास वूस जो भी खाती है, काफ़ी सारे प्लांट लगाने होंगे और जब जाके आप फ्री रेंज में फार्मिंग कर सकते हो, क्योंकि इनको खाने के लिए जब जाके आपकी कॉस्ट कम होगी। और फ्री रेंज में आपको मैं बिल्कुल मान लो आप कि इसका केवल 15% ही फीड खिलाता हूँ, बाकी मेरा 80% फीड सेफ रहता है, ये अपना सेल्फ खाती है फार्म में। तो फ्री रेंज में दोस्तों आपको फार्मिंग करने के लिए सबसे मेन चीज़ है कि आपको एक आदमी, या तो आप स्वयं रहो या कहीं एक आदमी की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि फार्म पे, क्योंकि इसमें खतरा ज़्यादा रहता है बाहर के जानवरों का और दूसरे आदमी, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि फ्री रेंज में आपको एक आदमी रखना पड़ेगा, या तो आपको स्वयं को, नहीं तो आप फार्मिंग मत करना, क्योंकि इसमें फिर भारी लॉस हो जाएगा आपको। तो दोस्तों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि फ्री रेंज में आपको फार्म पे ही रहना होगा। और मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ, इस बगीचे में देखिए चारों तरफ ये बगीचा है, चंदन का है और एप्पल बेर का है, तो इसमें मुर्गियाँ घूमती रहती है। और तो मैंने इसके फ्री रेंज में ये हमारी मुर्गियाँ रात को इसके अंदर रहती है, ये शेड बना रखा है इनके लिए, ये देखिए इस प्रकार से ये शेड बना रखा है, ये आप अपनी उसके हिसाब से बनाए। ये मैंने इस प्रकार से शेड बना रखा है, फ्री रेंज में मुर्गियों के लिए है। इसमें मुर्गियाँ अपने आप घूमती रहती है, अपने आप निकलती रहती है दिन भर, ये फ्री रहती है। ये साथ में हमारे बकरी भी है 5-7, और ये शेड है। और फ्री रेंज के अंदर हमारी मुर्गियाँ देखिए
इस प्रकार से अपने आप ही ये इन बाल्टियां रख रखी है, इनके अंडे देखिए, इनमें अंडे रख दिया, अपने आप अंडे रख देती है आके और फिर चली जाती है। देखिए सभी में इसी प्रकार से बाल्टियां रख रखी रहती है, इनमें मुर्गियां बैठी रहती है, फिर ये अंडे दे के बाहर चली जाती है। देखिए सभी मुर्गियां इस प्रकार से में रहती हैं, तो ये स्वतंत्र घूमती रहती है और ये इनके लिए रात में इसके अंदर भी इसके अंदर रहते हैं बच्चे। इस प्रकार से अंडे दे के फ्री हो जाती है, फिर इसमें घूमते रहते हैं रात में। हमने इसको सर्दी के मौसम में इस प्रकार से कवर कर रखा है चारों तरफ से, और इस प्रकार से ये शेड बना रखा है हमारा, ये टेंट सेट डाल रखा है। तो इस प्रकार से हम फ्री रेंज में देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं, क्योंकि फ्री रेंज में दोस्तों आपके फीड की कॉस्ट ही मान लो बहुत ही कम हो जाएगी। तो फ्री रेंज फार्मिंग के बहुत ही फायदे हैं और इसके नुकसान भी है, तो इस पे हम अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे, क्या नुकसान होगा कितना लाभ होगा इस टॉपिक पे। केवल आज आप हमको एक छोटी जानकारी दी है हमारे इस चैनल के माध्यम से। यदि आप फ्री रेंज में और भी जानकारी लेते हो तो कमेंट में बताएं किस टॉपिक पे आपको जानकारी देनी है। तो चंदन की खेती के साथ साथ मैं ये फ्री रेंज में देसी मुर्गी पालन भी कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। फ्री रेंज में फार्मिंग के लिए वीडियो शेयर करते रहेंगे, इससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।